हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारा पार्ट टू है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहेंगी एम फार्मेसी के फॉर्म फिलअप की। तो पिछले वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी डिटेल्स और जो टाइप होता है कैंडिडेट का, ये सारी चीज़ें भरी है, लेकिन जो जीपैट का डेटा है वो फेच नहीं हो रहा था। इसकी वजह से हमारा जो क्वालिफिकेशंस के आगे का पार्ट है वो रह गया था। तो आज के इस वीडियो के अंदर वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी ईयर में आपने जीपैट दिया है वो ईयर सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें रोल नंबर डालना है, जो भी ईयर का जीपैट आपका है, 22, 23 या 24, और ठीक है ईयर का आप रोल नंबर डाल दीजिए। और साइड में कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए तो आपका जीपैट का स्कोर और AIR ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड हमें करना है, ओके पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम मैचिंग स्कोर 1 दिखा रहा है अब, जो कि पहले 0-0 आ रहा था सभी का। तो अभी जो जीपैट का डेटा है वो फेच हो चुका है। तो इसके लिए यहाँ पर उसके बाद हमें जो है तो मदर नेम फिलअप करना है आपका, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका पूरा डिटेल में डाल दीजिए एज़ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये डालना है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ऑर्फेन मतलब अनाथ है या नहीं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इनकम एनुअल इनकम, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए और लैंग्वेज माया मतलब मदर टंग सेलेक्ट कीजिए। और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, अगर रिलीजियस माइनॉरिटी है तो उस पर चेक करना है, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो उस पर चेक करना है। अगर दोनों भी माइनॉरिटी है तो आप दोनों पे चेक कीजिए। उसके लिए आपको प्रोफार्मा ओ यहीं पर भी मिल जाएगा, जो क्लिक हेयर दिख रहा है वहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर टॉप के कॉलेज ऐसे टॉप लेवल के जो माइनॉरिटी के हैं, जैसे कि जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, गुजराती माइनॉरिटी, हिंदी माइनॉरिटी, तो ये माइनॉरिटी कॉलेजेस है। यहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है कैप राउंड के अंदर, काफ़ी कम कट ऑफ जाती है माइनॉरिटी की। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस फिलअप कीजिए, एड्रेस यहाँ पर पूरा डिटेल में हमें डालना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड हमें कर देना है, ओके पे क्लिक कीजिए फिर से एक बार। यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है विथ सिग्नेचर, पहले एक फ़ोटोग्राफ रख लीजिए, उसके नीचे सिग्नेचर वाइट पेपर पर मार कर यहाँ पर अपलोड कर देना है डायरेक्टली। सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं आपको बता नहीं सकता ये डायरेक्टली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 500 KB से कम होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट, 10th का, 12th का, नेशनलिटी, डोमासाइल और यहाँ पर जीपैट का वैलिड मार्कशीट, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है 1 by 1। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, NCL भी रहेंगे यहाँ पर, आपके कैटेगरी वाइज आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है लेकिन ओरिजिनल रिज़ल्ट नहीं है, तो आपके जो प्रिंसिपल है या डायरेक्टर है कॉलेज के, वहाँ से आप अटेस्टेड मतलब स्टैम्प और सिग्नेचर लेकर भी जो अटेस्टेड कॉपी है वो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट है अभी के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आपका जो फीस है वो पे करना है नेक्स्ट स्टेप में आपको, 1200 रुपीज़ ओपन कैटेगरी के लिए, और जितने भी रिज़र्व कैटेगरीज रहेंगी उनके लिए 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। पे करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट लेना है, और प्रिंट लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको करना है प्रोसेस। अगर आपने फिज़िकल मोड सेलेक्ट किया है स्कूलिटी के लिए तो आपको SC सेंटर पर जाकर वेरीफाई करना है, या ऑनलाइन अगर सेलेक्ट किया है आपने स्क्रूनिटी तो आपको ऑनलाइन वेरीफाई होने का वेट करना है। आपका मैसेज आ जाएगा अगर वेरीफाई होता है तो, अगर नहीं होता है तो आपको जो है तो जो भी क्यूरीज आएंगे मतलब आपका डिस्प्रेंसीज आएंगे वो आपको करेक्शन कर सेंड करना पड़ेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।